हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत त्यागी और आपके साथ में लेके आ रहा हूँ एक्सरसाइज बच्चों 8.4 है क्लास 10 की एनसीईआरटी का। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। बच्चों 8 और 9 पार्ट में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आठवां और नौवां भाग में इसमें बताने जा रहा हूँ। बच्चों ये दिया साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक का स्क्वायर बराबर है 7 + 10² ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर है। ये बच्चों प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। करना क्या बच्चों, पहले ये लिखना है, देखो ये साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर लगाओ तो इसकी फॉर्म में बच्चों ए प्लस बी की फॉर्म में है, ऊपर स्क्वायर है ये भी प्लस ए प्लस बी की फॉर्म में बच्चों, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, देखना है आपको। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोला जाता है, इसे कैसे खोलते हैं बच्चों, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं साइन का, तो पहले साइन का स्क्वायर करेंगे बच्चों साइन स्क्वायर ए, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे बच्चों प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। फिर तो बच्चों आपने देखा कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डबल करते हैं, तो साइन ए कोसेक ए का डबल करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना, तो साइन ए कोसेक ए का डबल करेंगे बच्चों कितना आएगा 2 sin a cosec a हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा कोस ए प्लस सेक स्क्वायर, पहले से भी ऐसे खोलेंगे बच्चों कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई का फिर डबल कर देंगे बच्चों क्या आएगा 2 cos a और sec a 2 cos a sec a। अब बच्चों इसमें क्या होगा देखो ध्यान से एक बार, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो एक तो 1 ले आया बच्चों निकल के, ठीक है। और साइन ए कोसेक ए बच्चों आप देखना साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cosec² के। अब बच्चों क्या होता है साइन ए बराबर किसके होता है कोसेक ए के, कोसेक ए इधर डिवाइड में तो ऊपर किस में जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों 1 के, तो साइन ए इंटू कोसेक ए किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो बच्चों यहां पे इससे कुछ दिक्कत नहीं है अभी, इसे ऐसे ही रहने दो, और साइन ए कोसेक ए किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, इसे ऐसे रख दो कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 + 2 क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है बच्चों 1 के, तो यहां पे 1 रख दिया, प्लस इसको और इसको मैंने साथ में ले लिया बच्चों साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अब आगे क्या बचा बच्चों सेक स्क्वायर ए, ऐसी लिख दो उसे, और बच्चों 2 cos a sec ए, जिस प्रकार बच्चों साइन ए कोसेक ए 1 के बराबर होता है उसी प्रकार बच्चों कोस ए और सेक ए भी दोनों किसके बराबर होते हैं 1 के, कैसे, क्योंकि कोस ए बराबर होता है बच्चों 1/sec a के, ये आपको पता है कि कोस ए का रेसिप्रोकल होता है sec a, और sec a बच्चों यहां डिवाइड में तो ऊपर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो sec a इंटू कोस ए इक्वल टू क्या बचा 1, ये यहां पे था यहां पे आ गया, तो ये पूरा किसके बराबर होगा बच्चों 1 के, ये sec a ऐसे लिख दिया प्लस 2 × 1 ये 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों क्लियर हो रहा होगा आपको, धीरे धीरे देखकर समझते रहना ध्यान से। अब क्या करना है बच्चों 2 × 2 2 × 2 2 2 4 अरे 5 कितने हो गए बच्चों 5 हो गए ऐसे। अब बच्चों आपको पता कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot² a, ये फॉर्मूला है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot² a, तो बच्चों कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 + cot² a लिखेंगे, इसको इसको और इसको बच्चों प्लस कर दिया मैंने, 2 × 2 2 × 2 और 2 = 4 = 5 आ गया है, ये हो गया 1 cosec² a बच्चों हो गया 1 + cot² a, इसी प्रकार बच्चों sec स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan² a, ठीक है बच्चों। देखो 5 और 1 6 और 1 7 इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, कोट स्क्वायर ए बच्चों ऐसे लिखेंगे जैसा है कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए,
ये किसके बराबर आया बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये किसके बराबर हो गई बच्चों, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई ये हमारी। तो बच्चों हमने कहां से शुरू करा था, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा था, और किधर आ गई, राइट हैंड साइड पर आ गए हैं। तो इसी के साथ बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे व्हाट्सएप जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, ताकि जरूरतमंदों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट में क्या दिया बच्चों, ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करने राइट हैंड साइड के, तो सेम बच्चों इसी तरह से करना है। इसमें दिया है cos a के माइनस साइन ए, sec के माइनस cos a किसके बराबर है बच्चों, 1/tan a प्लस cot a के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, इसमें क्या हो रहा है देखो, cos a को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/sin a। आपको पता है बच्चों cos a का जो रेसिप्रोकल होता है 1/sin a, माइनस साइन ए को ऐसे लिख देना जैसा है, साइन ए ऐसे लिखेंगे यहाँ पे जैसा था, ठीक है। अब बच्चों sec a है, sec a को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/cos a, sec a को क्या लिखेंगे, 1/cos a, माइनस का निशान है तो बच्चों माइनस लगाएंगे, और यहाँ cos a ऐसे ही लिखेंगे जैसा था, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे इसमें आगे देखो, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर की, साइन ए की साइन ए में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा बच्चों, 1 - sin² a, और नीचे क्या बचेगा बच्चों, साइन ए ही बचेगा, नीचे नीचे क्या रहेगा, साइन ए ही रहेगा, तो साइन ए को यही लिख देंगे ऐसे साइन ए। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर a की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos² a, और नीचे क्या बचेगा बच्चों, cos a ऐसे। अब बच्चों क्या करेंगे देखो, ऊपर 1 - sin² a है, ये किसके बराबर होता है बच्चों, 1 - sin² a, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, sin² a इक्वल टू प्लस cos² a इक्वल टू किसके होता है प्यारे बच्चों, 1 के बराबर होता है। जब ये sin² इधर प्लस का है तो इधर जाएगी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों cos² a इक्वल टू हो जाएगा 1 - sin² a ऐसे। साइन स्क्वायर इधर प्लस का है बच्चों, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin² a, तो cos² a, तो ये बच्चों 1 - sin² a किसके बराबर होगा, cos² a के, किसके बराबर होगा बच्चों, cos² a के। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं यहाँ पे cos² a को इधर ले जाता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, sin² a तो यही पे रहेगा, cos² a इधर चला जाएगा 1 - cos² a, तो बच्चों 1 - sin² a किसके बराबर है, cos² a के। तो 1 - sin² a की जगह क्या लिखेंगे आप, cos² a ही लिखेंगे ऐसा का ऐसे जैसा है, और नीचे उसके क्या है बच्चों, साइन ए, तो नीचे उसके साइन ए ही लिख देना आप, जो है उसके नीचे लिख देना, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है बच्चों, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, 1 - cos² a किसके बराबर होता है बच्चों, sin² a के बराबर होता है, तो 1 - cos² a की जगह बच्चों क्या लिख देंगे आप, sin² a लिख देंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, cos a, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, cos a, ये स्क्वायर से बच्चों sin² से बच्चों sin a कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों ऊपर, sin a cos a और sin a बचेगा ऊपर, क्या बचेगा, cos a sin a बचेगा। अब क्या करना बच्चों आपको, ये हमने प्रूव करा sin a cos a के बराबर आया, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा था, अब फिर क्या करते हैं बच्चों इसे राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, इससे बच्चों राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करा तो ये आया बच्चों लास्ट में, अब किधर से शुरू करते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में क्या दिया हो बच्चों, ये दिया 1/tan a प्लस cot a, तो इसमें क्या करना बच्चों आप, tan a का उल्टा क्या होता है, 1/tan a है बच्चों, tan a को क्या करेंगे आप, tan a को हम लिख सकते हैं बच्चों sin a अपॉन cos a, tan a का फॉर्मूला होता है बच्चों sin a अपॉन cos a, और फिर प्लस का sin a को प्लस लगाएंगे, और cot a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos a अपॉन sin a, इसे हम ये लिख सकते हैं बच्चों cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं। अब क्या करना क्या बच्चों, यहां इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 1/ में रहेगा
दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों तो साइन की साइन में ही गुना हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोस की कोस ए में गुना हो जाएगी तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा बच्चों, कोस ए साइन ए, साइन ए कोस ए, नीचे क्या बचेगा साइन ए कोस ए बचेगा ऐसे। अब जो नीचे वाली संख्या होती है बच्चों सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है एक में, ये बच्चों किस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एक में, तो साइन ए कोस ए की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो बच्चों आएगा साइन ए कोस ए ऐसे, ठीक है। और नीचे क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है बच्चों पूरा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, आपको पता है किसके बराबर होता है वन के, ये पूरा वन के, तो यहाँ क्या बचा बच्चों साइन ए कोस ए, नीचे बचा क्या वन, नीचे आप वन लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इस साइड को सोल्व करा लेफ्ट हैंड साइड को तो भी क्या आया कोस ए साइन ए आया, राइट हैंड साइड से सोल्व करा तो वो भी साइन ए कोस ए आया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो प्रूफ हो गया बच्चों ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने व्हाट्सएप शेयर ग्रुप पे शेयर कर दें ताकि ये हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।